नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे, बल्कि गठबंधन का संयोजक किसी और को बनाया जा सकता है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। गठबंधन के संयोजक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें, हम तो सबके हित में चाहते हैं। ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता, ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। पटना के राजकीय समारोह में पत्रकार नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछना चाहते थे, तभी नीतीश ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जाइए, आप जाइए। पत्रकारों ने नीतीश से कई बार रिक्वेस्ट किए, आप दोनों आ जाइए सर। इसके बावजूद 3-4 बार नीतीश कुमार तेजस्वी से कहते हुए दिखाई दिए, आप जाइए बात कीजिए। इसके बाद नीतीश भी तेजस्वी यादव के साथ आ गए। इस तस्वीर को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव को आगे करते नीतीश कुमार राजनीति में कई बार संकेतों को भी पढ़ा जाता है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि 2025 में वो सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की। पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक में नीतीश ने कहा, 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा में भाजपा को हराना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को कोलकाता में कहा कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं, ताकि बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकें। बता दें, ममता बनर्जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की बात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में जम्मू कश्मीर के राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के शामिल होने और उस पर सवाल करने के बाद उनको निलंबित किए जाने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला उठा तो इसने सोमवार को केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी को निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें। अदालत ने उन्हें पता लगाने का आदेश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के एक लेक्चरर को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ बहस करने के लिए अदालत में पेश होने के कुछ दिनों बाद निलंबित क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि क्या निलंबन लेक्चरर की अदालत के समक्ष उपस्थिति से जुड़ा हुआ था। इसने संकेत दिया कि यदि ऐसा होता है तो इसे प्रतिशोध के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है जहां एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक एक करके एक छात्र को मारने का निर्देश दिया था। शिक्षिका ने पीड़ित छात्र के मुस्लिम धर्म का हवाला दिया था और मोमडन बच्चों का जिक्र करते हुए अपमानजनक बातें कही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर विवाद और कार्रवाई का दबाव बना। इस स्कूल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है और फिलहाल उसे सील कर दिया गया है। जांच लंबित रहने तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने बताया है, इस बीच स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर FIR दर्ज कर दी गई है। उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर के स्कूल का वायरल वीडियो शेयर करने के मामले में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। मोहम्मद जुबैर पर दर्ज करवाई गई FIR में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 25 अगस्त को नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर स्कूल वाले मामले से संबंधित वायरल वीडियो में छात्र की पहचान उजागर कर दी। आरोप लगा है कि ये किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक के अधिकारों का हनन है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने क्विंट के हिंदी के साथ बातचीत में कहा कि वैसे तो इस वीडियो को कई न्यूज चैनल्स, राजनीति से जुड़े लोगों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन मुझ पर FIR हुई है। मैंने तो फौरन वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सिंगल आउट करना ये दिखाता है कि मुझे टारगेट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन
इंडिया में और दल शामिल हो सकते हैं। इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द ही वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन की परवाह किए बिना प्रदेशों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। अब आपने बिहार में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। अब आम आदमी पार्टी के इस एक ऐलान ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने दो टूक कहा है कि जिस समय विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, ये साफ किया गया था कि सभी पार्टियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी भी उन सिद्धांतों का पालन करेगी। समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब तक सपा ने 6 नामों की घोषणा कर दी है। बता दें सपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इस बीच ये ऐलान हुआ है। कहा जा रहा है कि सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सूचना भेजी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो एक होने की बात कह रहा है, लेकिन प्रदेशों में बटा हुआ दिख रहा है। एनसीपी के 2 गुटों में बट जाने के बाद अब एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर बड़ी टिप्पणी की है। छगन भुजबल ने खुलासा किया है कि शरद पवार ने ही हमसे कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए। छगन भुजबल ने कहा कि सत्ता में शामिल होने से पहले शरद पवार ने ही हमें इस बारे में मार्गदर्शन दिया था कि हमें बीजेपी से किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पवार के मंच से भाषण दे रहे हैं, वो सभी भाजपा से हाथ मिलाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करता है। भुजबल ने आरोप लगाया कि ओला में आपने मुझे टिकट देने के लिए लोगों से माफी मांगी, लेकिन उस स्थिति में आप कितनी बार माफी मांगेंगे? भंडारा से कोल्हापुर तक, क्योंकि सभी 54 तैयार थे। ये आप ही थे जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया था। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ ने भी कहा है कि शरद पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, हमने सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ चर्चा की, हमने 5 मौकों पर चर्चा की। हमारी पार्टी के प्रमुख इसके बारे में पूरी तरह से जानते थे, इसलिए पार्टी के विस्तार और राज्य के विकास के लिए हमने अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार में शामिल होने का फैसला किया। मुशरीफ ने इस बात से इनकार किया कि वो ईडी के डर से अजीत पवार के साथ बीजेपी में गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही 1,000 रुपए मासिक राशि को रविवार को भोपाल में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में बढ़ाकर न केवल 1,250 कर दिया, बल्कि नवीन घोषणा की राशि भी 25 करोड़ हितग्राही बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री ने रविवार को 2 कांग्रेस की और गारंटियों को भी छीन लिया। सावन के महीने में महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। साथ में गरीब महिलाओं के बिजली के बिल 100 रुपए महीने कर दिया। तत्काल प्रभाव से दोनों नई योजनाओं के लाभ का ऐलान शिवराज ने किया है। बता दें प्रियंका गांधी ने बीते 12 जून को जबलपुर में चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के वोटरों को 5 गारंटियां दी थी। इनमें हर महिला को 1,500 रुपए महीना देने की बात, गैस सिलेंडर 500 रुपए, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट हाफ होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, किसानों के कर्ज माफ होंगे। लेकिन अब शिवराज ने गारंटियां छीननी शुरू कर दी हैं। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अब विश्व चैंपियन हैं। बुडापेस्ट के राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में रविवार देर रात जैसे ही उनके जेवलिन यानी कि भाले ने उड़ान भरी और अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर की दूरी पर उतारा, हरियाणा के खंडरा के 25 साल के खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। अब वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहले से ही ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने अब एकमात्र बड़ी प्रतियोगिता जीत ली है जिसे जीतना उनके लिए बाकी था। इस प्रतियोगिता में अगले सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, जिन्होंने 86.79 मीटर थ्रो किया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए रजत पदक हासिल किया।
नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की एक वीडियो काफी चर्चा में है। दरअसल ब्रॉन्ज जीतने वाले चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेच और नीरज चोपड़ा अपने अपने राष्ट्र ध्वजों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। इसी बीच नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतने वाले अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाया, पर अरशद के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था और फिर नीरज ने उन्हें अपने तिरंगे के तले ही लेकर तस्वीरें खिंचवाई। इस छोटी सी क्लिप को शेयर करके कई लोग नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पर लिखा है, नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को इस खूबसूरत क्लिप के लिए बुलाया, पड़ोसियों के बीच नफरत नहीं मोहब्बत फैलाए। इंडिया के लोगों ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने जीत का जश्न मनाने के लिए अरशद नदीम को बुलाया, नफरत नहीं प्यार फैलाए। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।